नाव से उस मरे हुए सिर को उठा दिया। सवार होकर के राजमहल में पहुंचे, सर से मुकुट उतार करके रखा तो आत्मा पाप ही पाप चिल्लाने लगी। महलों में बैठ करके महाराज परीक्षित जो थे ये पश्चाताप करने लगे, मैंने एक शब्द का पान कर दिया लेकिन पश्चाताप करने से कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तब तक महात्मा लोमश ऋषि के जो पुत्र थे जिनका नाम था सरंगी, इन्हें जब ये विदित हुआ है कि हमारे पिता एक समान। संत से मिलने के लिए जाए, संत जैसा स्वभाव लेकर और संत जैसा रूप लेकर, इसलिए वो महाराज परीक्षित सब कुछ त्याग करके राजसी वस्त्र आभूषणों को छोड़ करके महात्माओं जैसा रूप बनाकर महात्मा सुखदेव की तरह से घर से निकल करके जंगल की ओर बढ़े हैं। सूत जी समझाते हैं, हे सौंतकादिक ऋषियों, ये धीरे धीरे जंगल में इधर उधर महात्मा सुखदेव की तलाश करने लगे हैं। जिस राज्य की घमंड में आकर कि तूने हमारे पिता का अपमान किया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, आज से
साथ में रोज तुझे तच्छक नाम का सर्प डस लेगा, जिससे तेरी मौत होगी और दुनिया की कोई भी शक्ति तुझे बचा नहीं सकती।